गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, वो हम लोगों ने किया था अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसमें हमने कवर अप किया था कि वेरियस पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस ग्लैंड्स दैट आर एसोसिएटेड विद आवर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब बेसिकली ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करने से पहले वी हैव टू नो टू पॉइंट कि दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडो का मतलब जो कि इनसाइड रिलीज करते हैं, एक्सो का मतलब होता है कि जो अपना सिक्रीशन कहाँ रिलीज करते हैं, आउटसाइड पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो सलाइवरी ग्लैंड जो है, ये देखिए इसका सिक्रीशन कहाँ पे आ रहा है, हमारे माउथ में आउटसाइड जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। नाउ द फर्स्ट वन जो ग्लैंड है हमारा, ये स्टार्ट होता है कहाँ से, इन द बिगिनिंग हमारे माउथ में। माउथ का हमने किया था बकल कैविटी पार्ट होता है, तो इसकी जो ओपनिंग होती है, जैसे ही हमारे माउथ के अंदर एंट्री होती है तो इसके अंदर द शेप ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जैसे ग्रेप्स का जो बंच होता है, गुच्छा जो होता है अंगूरों का, उसके जैसा एक क्लस्टर होता है हमारे ग्लैंड का, जिसको नाम दिया जाता है सलाइवरी ग्लैंड। ये देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे और इधर है, ये तीन पार्ट में जो है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। अब बेसिकली जो पीएच लेवल जो होता है वो हमारा सलाइवा का क्या होता है, वो होता है अल्कलाइन। तो 7.2 पीएच जो होता है इसका अप्रॉक्सीमेटली होता है अपना। अब सलाइवा करता क्या, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज हुआ है वो करेगा क्या, एक तो बाइंड अप करेगा फूड पार्टिकल्स के साथ इजी स्वॉलिंग के लिए। स्वॉलिंग का मतलब होता है निगल जाना, यानी कि जैसे हम लोगों ने फूड को यहाँ पे इनटेक किया है तो इसको नीचे की तरफ पास आउट करना, हम जो निगलते हैं फूड को, दैट इज़ कॉल्ड एज स्वॉलिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर अबाउट द एंजाइम्स, कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं इसके अंदर। तो इसमें एंजाइम हमारा सबसे पहला आता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो है इसको हम लोग टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, पी साइलेंट होता है। ठीक है, हम इसको क्या नाम देंगे, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम या फिर सलाइवरी एमाइलेज दोनों जो है सेम होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। इसके अलावा नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि कहीं पे बॉडी पे कहीं कट लग जाता है तो हम लोग थोड़ी सी अपनी सलाइवा जो होती है वो अपनी लगा देते हैं उस पर्टिकुलर वुंड के ऊपर, घाव के ऊपर हल्की सी लगा देते हैं। तो ऐसा क्या होता है हमारे सलाइवा में, हमारी राल में, कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे कुछ टाइम के बाद हमें जो है जो एक्टिविटीज़ हैं जर्म्स की, वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं हो पाती कुछ टाइम के लिए। उसका रीज़न क्या होता है कि हमारी जो सलाइवा होती है इट विल एक्ट एज एंटीसेप्टिक। उसका रीज़न क्या है कि उसके अंदर लाइसोसाइम एंजाइम्स होती हैं जो जर्म्स को किल करने में हेल्प करते हैं। स्पेशली कौन से जर्म, ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये जो जैसे ही हमारे माउथ के अंदर एंटर करता है, हमारे फूड स्टफ के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है जिसको लाइसोसाइम किल कर सकता है तो वो उसको किल कर देगा। उस बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिजीज़ है वो फिर हमारी बॉडी के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है बेसिकली ये कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक की जो वॉल होती है इनसाइड की, वहाँ से रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज एंजाइम, जो आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है इसके अंदर ये कंपोजिशन है, तो ये जो कंपोजिशन रिलीज़ हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, म्यूकस की, पेप्सिन की और लाइपेज की, हम इसको नाम किसका देते हैं, हम इसको नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूसेस का, कि गैस्ट्रिक के जूस रिलीज हुए हैं। ठीक है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है बेसिकली ये किसको ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन को, और जो लाइपेज होता है ये ब्रेक डाउन करता है किसको, फैट पार्टिकल्स को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लीवर। लीवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली वेट कितना होता है, 1.5 kg। इसकी जो लोकेशन है, अगर हम लोकेशन की बात करें कि कहाँ पर होता है, तो ये हमारा सिचुएटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यानी कि हमारी जो थोरासिक कैविटी, जो चेस्ट कैविटी जहाँ पे हमारे लंग्स हैं उसके नीचे वाला जो एरिया है, अबव द पेल्विक गर्डल, ठीक है, हमारे हिप्स के ऊपर वाला जो एरिया है, तो वो जो कैविटी वाला एरिया होता है हम उसको नाम देते हैं एब्डोमिनल कैविटी का। उस कैविटी के पास जो है ये लोकेटेड होता है। ठीक है, अब ये भी क्या करता है, ये जूसेस को रिलीज करता है। इसके जो जूसेस होते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, इसके जूसेस स्टोर होते हैं
इस पर्टिकुलर पॉइंट में, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, गाल ब्लैडर का, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली गाल ब्लैडर बोलते हैं, पित्त की थैली भी बोल देते हैं हिंदी में हम लोग इसको। तो गाल ब्लैडर जो होता है ये बेसिकली करता क्या है, इट विल रिसीव अ येलोइश फ्लूड, येलोइश कलर का फ्लूड रिसीव करता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, बेसिकली वी कॉल्ड इट एज बाइल जूस, ठीक है। हम क्या बोलते हैं उसको, बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो होता है ये टेम्प्रेरी स्टोर होता है किसके अंदर, इस गाल ब्लैडर के अंदर, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिलीज होता है किसके अंदर, पैंक्रियाटिक डक्ट में विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, हमारा नेक्स्ट आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या होता है, पैंक्रियास जो होता है बेसिकली, ये देखिए आप इस फिगर में अगर देखें यहाँ पे, तो स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, पैंक्रियास का। तो पैंक्रियास से जो जूसेस रिलीज होंगे वो किससे रिलीज होंगे, पैंक्रियाटिक डक्ट से, ठीक है। अब पैंक्रियाटिक जो डक्ट है, अब पैंक्रियास को हम लोग एक ड्यूअल हार्मोन का नाम देते हैं, एंड व्हाट इज़ द रीज़न हम इसको ड्यूअल हार्मोन बोलते हैं, बेसिकली पैंक्रियास को वाई वी कॉल इट एज ड्यूअल हार्मोन, कि ये दो तरीके के काम करता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है कि इट इज़ अ ड्यूअल ग्लैंड, ड्यूअल ग्लैंड किस लिए, कि एक टाइम पे ये रिलीज करता है हार्मोन और साथ के साथ ये रिलीज करता है एंजाइम्स जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग देखो प्रॉपर वर्डिंग्स देखते हैं कि वाई पैंक्रियास इज कॉल्ड एज ड्यूअल ग्लैंड, इट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब कि जो बाहर है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट वाला पार्ट, ठीक है। वो क्या रिलीज करवाता है, पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज करवाते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो शुगर और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पैंक्रियास का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसलेट, आइसलेट ऑफ लैंजोहैंग्स। इस वाले पार्ट में से दो हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंसुलिन और ग्लूकागोन। देखो इंसुलिन आपको पता है, हम जो बोलते हैं कि शुगर हो रखी है, इंसुलिन की कमी हो रखी है इसके अंदर, तो वो शुगर रिलेटेड जो एंजाइम है वो हमारा होता है इंसुलिन। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, कि ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करता है, और ग्लूकागोन बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है, जो हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर कर चुके हैं। तो पैंक्रियास से रिलीज होने वाले जो जूसेस हैं हम उनको किसका नाम देते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस का। और ये कौन से पार्ट में रिलीज होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर। अब हम लोग स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स का कहाँ पर क्या फंक्शन है। तो इंजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, कि फूड का हमने इनटेक कर रखा है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है मेन हमारा, दैट इज़ द डाइजेशन। अब तक हम लोगों ने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा, कि ग्लैंड्स कौन से हैं, फूड कैसे हमने अंदर एंटर लिया। तो सबसे पहले जो फूड है वो इंजेक्ट हम लोग करते हैं, इंजेक्ट का मतलब बॉडी के अंदर लेना, इंजेशन प्रोसेस, वो कहाँ पे हो जाएगा, हमारा बकल कैविटी में, कि हम लोगों ने इंजेक्ट किया बकल कैविटी के अंदर, वहाँ पे जो म्यूकस है जो स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट है वो फूड के साथ मिक्सअप होगा, उसको लुब्रिकेट करेगा, सॉफ्ट करेगा, स्लाइवरी अमाइलेज रिलीज होगा। क्या करेगा ये स्टार्च को ब्रेक करेगा माल्टोज के अंदर। माल्टोज जो है ये भी हमारा एक किसका होता है फॉर्म, एक शुगर का फॉर्म होता है, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ पर ट्रैवल हो जाएगा, हमारा वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस में जाएगा, और यहाँ पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, बिकॉज डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर बेसिकली क्या होता है, कि इसके अंदर फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है लार्ज मॉलिक्यूल का इनटू द स्मॉलर वन। तो वो प्रोसेस यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, किस में, फेरिंग्स और ओसोफेगस में। नेक्स्ट मेन डाइजेशन जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो है डाइजेशन इन द स्टमक। हमारे फूड के अंदर, हमारा जो फूड है जब वो स्टमक के अंदर ट्रैवल करके जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसको हमने किसका नाम दिया था, पैरास्टाल्टिक मूवमेंट का, तो उस टाइम पे हमारा जो फूड होता है जब वो चर्न होता है, जब वो पिसता है हमारे स्टमक के वॉल के अंदर, तो उस टाइम पे स्टमक की वॉल के अंदर जो फूड है अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव जूसेस जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उनके साथ जो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जो पफी स्ट्रक्चर होता है, हम उसको नाम किसका देते हैं, चाइम का, ठीक है। चाइम एसिडिक इन नेचर होता है। अब बात आती है कि स्टमक वॉल से कौन कौन से जूसेस रिलीज होते हैं। स्टमक वॉल से जो कॉमन रिलीज होता है हम उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स। एंजाइम कौन सा, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। इसको गैस्ट्रिक लाइपेज क्यों बोला, क्योंकि किससे रिलीज हो रहा है,
गैस्ट्रिक जूसेस से, ठीक है। और गैस्ट्रिक म्यूसिन यानी कि म्यूकस जो रिलीज हो रहा है, ये कहाँ से रिलीज हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस से। इसको हम लोग किसका नाम देंगे? गैस्ट्रिक म्यूक्सिन का, या सिंपल हम इसको म्यूकस का नाम भी दे सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये क्या करता है कि हमारे फूड्स जो कि माउथ से ट्रैवल होके आ रहा है उसका मीडियम कैसा है? अल्कलाइन मीडियम है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ये एसिडिक मीडियम के अंदर। अब एसिडिक मीडियम क्यों ज़रूरी है? कि एसिडिक मीडियम जो होता है वो हमारा पेप्सिन एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है यानी कि एसिडिक मीडियम, हाइड्रोक्लोरिक रिलीज होने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड कर दिया, उसको एसिडिक मीडियम दे दिया। उस एसिडिक मीडियम की वजह से पेप्सिनोजन अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही पेप्सिन एक्टिवेट होगा वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा पेप्टोन और प्रोटीओस के अंदर, ठीक है। ये आप लोग सिंपल कर सकते हैं कि पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर फॉर्म। उसके बाद रेनिन, रेनिन जो होता है बेसिकली ये जो हमारा होता है ये किस में प्रेजेंट होता है? हमारा मिल्क का, ठीक है। मिल्क की जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए रेनिन एंजाइम जो होता है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। यही रीज़न होता है कि हमारे ओल्ड जो पीपल्स हैं, जो ओल्ड एज हो जाती है 60 अबव, तो उनकी बॉडी के अंदर इस एंजाइम की क्वांटिटी लो हो जाती है जिसकी वजह से मिल्क उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। अब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है प्रो रेनिन में, ठीक है। प्रो रेनिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेनिन के अंदर। रेनिन फिर कैसीन जो कि मिल्क प्रोटीन होता है, कैसीन क्या हो गया हमारा मिल्क प्रोटीन, उसके साथ ये पैराकैसिन के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हमारा जो पैराकैसिन है ये कैल्शियम आयन के साथ मिक्सअप हो जाएगा जो कहाँ प्रेजेंट है हमारे मिल्क के अंदर, और ये इनसॉल्युबल फॉर्म में, तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोटीन के अंदर जो है इसको ये ब्रेक डाउन करवा देगा, क्योंकि रेनिन किसके ऊपर इफेक्टिव होता है? डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है हमारा बेसिकली द पेप्टिक गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है? हमारे जो फैट प्रेजेंट है, जो भी हमने खाया है उसके अंदर जो भी फैट के कंटेंट प्रेजेंट होंगे उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक कर देगा। म्यूकस का मेन फंक्शन क्या है? अब देखो, स्टमक के अंदर जैसे ही हमारा फूड एंटर करता है यहाँ से, ठीक है, फूड एंटर हुआ, क्या रिलीज़ होगी यहाँ पे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक की वॉल को क्या कर देगा? ब्रेक कर सकता है, डैमेज कर देगा, जिससे क्या हो जाएंगे? पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, वुंड्स बन सकते हैं, तो उनसे ये क्या करेगा? हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है इसके अंदर वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन, देखो मैंने आपको बताया था कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द ड्यूडेनम पार्ट, और ड्यूडेनम पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? जहाँ पे हमारा बाइल डक्ट आ रहा है, ठीक है, और बाइल डक्ट के साथ हमारा क्या आ जाएगा? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होंगे पैंक्रियाटिक डक्ट से। तो ये वाला जो एरिया है जो पैंक्रियास के पास में है, दिस इज कॉल्ड एज द ड्यूडेनम पार्ट, ठीक है। अब ड्यूडेनम पार्ट में क्या चलेगा? यहाँ पे जो स्पिंचर है, जैसा आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग में स्टमक के पास दो स्पिंचर होती हैं। स्पिंचर का मतलब वॉल लाइक स्ट्रक्चर जो उसको कंट्रोल करते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलोरिक स्पिंचर होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि हमारा डाइजेशन का फूड जो भी डाइजेस्ट हुआ थोड़ा वो, तो उसको पास आउट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। यहाँ से रिलीज होगा हमारा बाइल जूस किस में से? गाल ब्लैडर में से, और पैंक्रियाटिक जूस किस में से रिलीज होंगे? पैंक्रियाज में से। दोनों मिक्सअप होंगे किसके साथ? चाइम के साथ, यानी कि हमारा जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ ये डाइजेस्ट हो जाएगा, मिक्सअप होगा, और डाइजेशन का प्रोसेस क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। आगे क्या हो जाएगा? अब बाइल जूस जो होता है इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस डजंट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके पास कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाइल जूस के पास कोई एंजाइम नहीं है फिर भी वो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या होता है कि एक तो बाइल जूस क्या करता है कि जो एसिडिक मीडियम आया है चाइम का उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एल्कलाइन मीडियम के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट करेगा हमारा बाइल, तो वो पैंक्रियाटिक जूसेस जो हैं उसके एंजाइम्स को एक्टिव करने में हेल्प करेगा। दूसरा, ये फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाता है। फैट का इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे फैट का ये लार्ज मॉलिक्यूल है, फैट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इस लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर इस तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन।
मैस्टिकेशन। अब नेक्स्ट कौन से आते हैं हमारे, पैंक्रियाटिक जूसेस। देखो पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम इनका एक ब्रीफ आउट लेते हैं कि क्या क्या करते हैं। अब पैंक्रियाटिक एंजाइम के अंदर जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है किसको ब्रेक डाउन करना, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इसका भी काम होता है कि प्रोटीन जो होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं इनके स्मॉलर फॉर्म के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करवाना, ये इसका काम होता है। उसके बाद होता है एमाइलोप्सिन या पैंक्रियाटिक अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, तो इसका भी काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पैंक्रियाटिक लाइपेज। देखो पीछे हमने क्या किया था, गैस्ट्रिक लाइपेज, उसका काम क्या था, फैट को ब्रेक डाउन करना, इमल्सीफाइड करना। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पैंक्रियाटिक लाइपेज का काम इमल्सीफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करना। अब हमने जो फूड डाइजेस्ट किया है उसके अंदर जो भी हमने किया है वो एक सेल के फॉर्म में है, तो हर एक के पास अपना डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियोटाइडेज जो होते हैं वो एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो क्या करेंगे, आरएनए और डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेक डाउन कैसे होगा। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोगों ने किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक्चुअल साइट होती है जहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसका रीज़न क्या बताया था कि यहाँ पे जो बर्नर ग्लैंड है वो एक बंच ऑफ जूसेस रिलीज करता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। इसके अंदर कौन कौन से रिलीज होते हैं, पेप्टाइडेज, माल्टेज, शुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज और एंटेरोकाइनेज। इन सभी का काम क्या होता है कि जो भी हमारा फूड है, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसको सिंपल ग्लूकोज फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना। प्रोटीन जो है इसको कन्वर्ट करना अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। फैट पार्टिकल्स हैं इसको फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करना। ये काम किस में चलेगा हमारा, एट द एंड सक्कस एंटेरिकस के पास। अब लास्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास कोई डाइजेशन नहीं होगा, बट इट विल रीअब्सॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल। अगर हमारे फूड के अंदर, क्योंकि हमारा फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ट्रांसफ़र होता है तो वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर होने की वजह से उस फूड के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट हो सकती है, तो उस एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करवाना ये लार्ज इंटेस्टाइन में चलेगा, और अनवेस्ट फूड को जो हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट नहीं किया है उसको रेक्टम के पास भेजना फॉर द प्रोसेस ऑफ इजेशन या डिफेसिकेशन। ये काम किसका होता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, उस डाइजेस्टेड फूड को फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे चलेगा, एब्जॉर्प्शन चलेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन चलेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा मेन हमारा, कि एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी इंटेस्टाइनल जो वॉल होती है उसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उनको हम लोग किसका नाम देते हैं, विलाई का, ठीक है। किसका नाम देंगे हम लोग उसको, विलाई का नाम देंगे। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर मेंशन आउट ऑफ विलाई हम उसको नाम देते हैं। विलाई के अंदर फिर और छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं फिंगर लाइक, हम उसको किसका नाम देते हैं, माइक्रो विलाई का। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर द एब्जॉर्प्शन। अब ये देखिए स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो एरिया है ये किसका प्रेजेंट, हमारा विलाई का। विलाई इंटरनली देखिए यहाँ पे इस तरीके से कितने स्मॉल पार्ट्स के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, इसको हम किसका नाम देते हैं, माइक्रो विलाई का। इसके अंदर देखिए ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये नज़र आ रहा होगा, दिस इज कॉल्ड एज लैक्टियल, ठीक है। लैक्टियल को सराउंड करते हुए आर्टरी और वेन्स प्रेजेंट होती हैं, और आर्टरीज और वेन्स जो यहाँ पे प्रेजेंट वो क्या करेंगे, जो यहाँ पे फूड एब्जॉर्ब हो रहा है उसको इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पे, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसका जो एपिथीलियम होता है, जो उसकी लाइनिंग होती है, उसके अंदर रैपिड डिफ्यूज़न होता है, इसलिए जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट होता है बहुत ईजिली वो ब्रेक डाउन होकर जो है चला जाता है हमारा किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। वहाँ पे ब्लड वेसल का डेंस बहुत ही जो है गाढ़ा, वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत डेंस एरिया प्रेजेंट है कैपिलरीज का। और लिम्फ वेसल जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो कि हमारा डिफेंस के लिए भी काम करता है, वो एब्जॉर्ब करेगा किसको, फैट को। बिकॉज फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं देवर
लार्जर इन साइज, उनका जो साइज होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब हमारा जो फूड डाइजेस्ट हुआ उसका फेट क्या होगा, ठीक है? तो उसका फेट जो होता है वो हम लोग बोलते हैं, क्या टर्म देते हैं उसको, एसिमिलेशन, की क्या एसिमिलेट होगा उससे। तो सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होगा ये रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज करेगा, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ पे, लीवर में। तो स्टोर फूड ऑफ ह्यूमन बींग क्या होता है, ग्लाइकोजन। जैसे जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ग्लाइकोजन लीवर में से ब्रेक होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अमीनो एसिड, ये किसका फेट है, प्रोटीन्स का, ठीक है? और प्रोटीन्स लास्ट में कन्वर्ट होकर क्या कन्वाता है, हमारे अमीनो एसिड्स। उसके बाद हमारा आता है किसका, फैटी एसिड्स का, कि हमारे फैटी एसिड्स जो होते हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, किसके, फैट्स, यानी कि फैट का फेट क्या हो जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मेन जो हम लोगों ने यहाँ पे करना था, कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद वेस्ट फूड का क्या होगा, वेस्ट फूड को रिलीज करने के लिए प्रोसेस कौन सा आ जाएगा, अपना इजेशन का। तो इजेशन कहाँ से होगा, हमारा टेम्परेरी जो वेस्ट फूड है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, हमारा रेक्टम के अंदर। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किससे रिलीज हो जाएगा, हमारा एनस जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इंक्लूडिंग द फंक्शन ऑफ एंजाइम। प्रॉपरली इसको रीड आउट करें, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। टिल देन,